आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। है के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हम इस समय आजमगढ़ के अंतर्गत तहसील लालगंज ठेकवा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा चंदभानपुर में है। यहाँ पे उपस्थित आइए, हम यहाँ गांव के ग्रामीणों हैं, ग्रामीण से ही जानकारी लेते हैं कि आप लोगों की क्या समस्या है, जो आप लोग प्राइमरी पाठशाला विद्यालय चंदभानपुर पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों की क्या समस्या है वो समस्या हमको बताए। हाँ, क्या समस्या आपकी क्या है? गल्ला हमारे के तीन दान का रखा ला नाम, गल्ला नहीं कहते उसको, गल्ला नहीं कहते हैं, राशन भी नहीं। सर ऐसा है कि हमको तीन बार राशन मिल चुका, सब दीदी आंगनबाड़ी, दो आंगनबाड़ी हैं बस्ती का, वो रिसीव करके अपना बांट दिए। इनको जब हम फोन करते हैं तो ये रहती हैं आजमगढ़, कहती हैं कि अभी आएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम ना आंगनबाड़ी केंद्र पे बांटेंगे, हमारे अधिकारी बोल रहे हैं न पंचायत भवन पे बांटेंगे, हम बांटेंगे अपने घर। इसी कारण जनता इनके जितने लाभधारी हैं, लेने वाले हैं ड्राई राशन वाले, सब बोल रहे हैं कि उनके घर पर नहीं जाएंगे, साइन कराती कहीं ना कहीं। एक मान गए, कहीं ना कहीं आपके सुपरवाइजर भी हैं। सुपरवाइजर जी, ये जो कह रहे हैं, क्या 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 अधिकार है कि नहीं घर पे बांटने का? नहीं, घर पर नहीं बांटने का अधिकार है, केंद्र पर बांटे या रिसीव करा दें। अपने जैसे जितने मतलब लाभार्थी आएंगे, जिनके इनके रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं, जिनका आधार वेरीफाई है, उन्हीं को देना है।